बाकी अपनी फैमिली और उसके बारे में कुछ बताएं, कैसी कंडीशन रही फैमिली की तैयारी के दौरान? जैसे आप कुछ, हम लोग बाहर बात कर रहे थे बैठ के, तो उसमें कुछ आपने फाइनेंशियल ट्रबल वगैरह? हाँ, मतलब मेरे पापा नगर पंचायत म्यूनिसिपल ऑफिस में, वो आपको डेली वेजेज स्टाफ हैं, उनकी सैलरी जो थी वो 8-9 thousand थी और हम लोग फैमिली में 4-5 लोग थे, तो थोड़ा सा वो फैमिली को चला पाना बहुत मुश्किल होता था उस टाइम में। हमारा फूफ का घर था खपड़ा का, तो बारिश वगैरह के टाइम में क्या होता था, जब पानी चूता था तो बहुत ज़्यादा हम लोग को दिक्कत का सामना करना पड़ता था, और आपको मच्छरदानी पे या फिर ऐसे प्लास्टिक टांग के हम लोग को सोना पड़ता था। तो वो सब टाइम ने एक्चुअल बहुत लोग को तोड़ देता है, लेकिन एक्चुअल में उस टाइम ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि मुझे इस वक्त से उबरना है और अपने फैमिली को भी थोड़ा अच्छा लाइफ देना है। तो उस टाइम ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। और 2013 में पहली बार मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी आई थी। तो पहले इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं? जी नहीं, मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो मतलब कंडीशन बहुत ख़राब था, इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ता था और जो भी पैसे आते थे उसे थोड़ा बहुत फैमिली को हेल्प करना पड़ता था। टीवी भी घर में था? नहीं, अभी भी नहीं है, मतलब हाल में अभी 1 साल पहले आया है, उसके पहले टीवी का एक्सेस बिल्कुल भी नहीं था। जी नहीं, इंटरनेट खैर मोबाइल मोबाइल था मेरे पास, वही जो मैं ट्यूशन पढ़ाता था उससे जो पैसे मिलते थे उसी से मैंने फोन खरीदा था। राइट। देखिए, जैसा अंकित ने बताया कि इनके घर की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, फाइनेंशियल चैलेंजेस थे, जो घर था वो भी खपरे का बना हुआ है, बारिश में पानी चू रहा है, और इससे कितना हताश भी हुए होंगे, लेकिन एक इंस्पिरेशन थी इनके लिए कि इस चीज़ को सुधारना है। इन्होंने जिम्मेदारी ली और एग्ज़ाम की तैयारी करी और एग्ज़ाम को निकाला। तो जो भी लोग ऐसी परिस्थिति में हैं, गाँव में हैं, इनके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 2013-14 में आ रही है, टीवी अभी 1 साल पहले आया है, वैसे बहुत सारे बच्चे होंगे गांव के जो इससे रिलेट कर पाएंगे कि आपको हारना नहीं है, हताश नहीं होना है। अगर आप लगे रहोगे तो आपका भी सिलेक्शन किसी न किसी दिन जरूर होगा।